क्या कर रहे हो गाइस? ये खड़ा अपना। हाय कायरा, कैसे हो? बराबर पता नहीं लगना चाहिए ना ये वेल्डिंग शेल्डिंग जो भी है, ठीक है? दिवाली पे सजाया था ये जो था ना। सो गाइस यार गब्बर को छोड़ दिया यहाँ पर, तो ये है भाई बाइक का राज। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आ गए हैं भाई एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन की शुरुआत हो रही है भाई घर से। भाई आज का व्लॉग रहने वाला भाई दिन भर की भागा दौड़ी और बिजी डे आज भी। आपको जैसे कि आपको पता ही है फॉर्चुनर घर ले आया था मैं उठा के। आज फॉर्चुनर का फ्रंट फेस रिवील करेंगे। अभी हालांकि अभी कोई प्रॉपर फेस उसका बना नहीं है, फॉगलाइट नहीं लगी और लाइट्स नहीं लगी फ्रंट में, ना डिजाइन पड़ा, लेकिन पेंटर के पास छोड़नी है आज और जो डिजाइन वगैरह पूरा इंस्टॉल करेगा वो। और दिखाते हैं, पहले तो चलते हैं बाहर, उसको गब्बर को करते हैं कोल्ड स्टार्ट और आपको दिखाते हैं उसका फ्रंट फेस का हल्का सा एक लुक दिखाते हैं आपको। बाहर चलते हैं और आपको कोल्ड स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो भाई ये खड़ा है अपना गब्बर, चेक कर रहे हो गाइस? ये खड़ा है अपना गब्बर। तो भाई ये कुछ शेप है जो बम्पर की आई है और अंडर बॉडी आप जैसे देख ही सकते हो भाई पूरा, अब तो कोई गड़बड़ी नहीं। अब जितनी मर्जी एक्सट्रीम ऑफ रोड हम करें अब हमें कोई परेशानी नहीं है भाई। भाई जो रह गया है यहाँ पर आना एक फॉग लाइट, ठीक है? यहाँ पर एक इसको आएगा छोटा सा एक डिज़ाइन ऐसे आएगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर एक एंटीना हमने ऑर्डर किया है। बीच में यहाँ आनी है लंबी वाली बार लाइट। तो भाई ये है फेस कुछ फ्रंट फॉर्चुनर हमारे गब्बर का। हाय कायरा, कैसे हो? फॉर्चुनर घर आ गई है ना। तो भाई गब्बर को करते हैं पहले कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि तो भाई गंदी तो हो रखी है क्योंकि पिछले एक महीने से गाड़ी वॉश नहीं हुई है। अगर थोड़ा शोर आ रहा है तो भाई वो है एग्जॉस्ट की आवाज़। और अभी जाएंगे भाई सीधा हमारे सन्नी भाई, हमारे जो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, सीधा जाएंगे उनके पास। तो अभी घर से निकल रहे हैं, मिलते हैं पहले आपको रास्ते में। आ गए अपने गब्बर में। अपनी गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना भाई, और एक रिएक्शन वीडियो देखो। तो भाई रिएक्शन चेक कर रहे हो आप लोगों के, यार क्या ही मजा आ रहा है गातक। थोड़ी सी आवाज भाई इसकी ज्यादा होगी क्योंकि सलेंसर आई थिंक नीचे से ना जब हमने फिट करा उसने जैक लगाया था, जैक से हो गया वो क्रैक। उसको भी वेल्ड कराएंगे, सारी सेटिंग कराएंगे, ओके करेंगे। तो भाई बहुत मजा आ रहा है यार, आज बहुत मजा आ रहा है भाई। यार नरवाल आए थे, नरवाल अपने फॉर्चुनर अपने गब्बर को छोड़ने के लिए आए थे, वो खड़ा है राहिल देखो आप भाई अपना गब्बर। भाई यहाँ गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है, इसलिए सोनू भाई सन्नी भी सोनू भैया बोल रहे थे भाई कि गाड़ी शाम को छोड़ो। तो अभी गाड़ी वापस लेके जा रहे हैं ऑफिस, राहिल चला रहा है और शाम को यहाँ छोड़ेंगे तो आपको दिखाएंगे आगे के सीन्स। तो गाइज अभी गाड़ी में वापस ले रहा हूँ अपने ऊपर ऑफिस में, क्योंकि यहाँ देख लो आप भाई बहुत फुल है। सोनू भैया बड़ा रश है यार यहाँ पर, क्या बात है, हैं पूरा गराज फुल है। तो भाई हाँ लद्दाख से इनोवा शनोवा काफ़ी आई हैं, तो अभी जगह नहीं है इसलिए गब्बर को ले रहे हैं वापस अपने ऑफिस और शाम को यहाँ गाड़ी छोड़ देंगे। सोनू भैया ये जो फिनिशिंग है ये सारी आ जाएगी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बराबर बिल्कुल बिल्कुल ओके। पता नहीं लगना चाहिए ना ये वेल्डिंग शेल्डिंग जो भी है, ठीक है? पता चलेगा। तो जो यहाँ डिजाइन डालना है वो भी डाल देंगे, फॉग लाइट वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगी। पता नहीं चलेगा आपको, शैकल यहाँ पर फिट करना है, ठीक है ना? एक यहाँ पर और एक उस तरफ, आपको जैसे बताया मैंने पूरा यहाँ से ये चेसी से आगे पीस ला के यहाँ पर फिट करना है, ठीक है? तो शाम को छोड़ दूं? हाँ शाम को छोड़ दो बस, ठीक है। ठीक है भैया ये जा रहा है अपना गब्बर और राइल ड्राइव कर रहा है। तो भाई एक बार एग्जॉस्ट का मैंने देखा इसका सलेंसर एक दो नीचे से शायद सुराख हो चुका है और आवाज होगी बहुत ज्यादा, तो आपको एक बार सुनाता हूँ मैं आवाज भाई। आ जाओ पीछे से दबा के आओ। Thank you.
भाई क्रेजी रिएक्शंस आ रहे हैं गब्बर को लेकर, क्रेजी रिएक्शंस आ रहे हैं। आवाज भाई बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए इसको थोड़ा कम करने के लिए इसको सिलेंसर को खुलवाएंगे और जो नीचे छोटे मोटे जो सुराख हैं वो सारे ओके करवाएंगे भाई। तो देखते हैं भाई, आज सोच रहा हूँ कि अगर गाड़ी यहाँ आई है इसका सिलेंसर खुलवा के सिलेंसर का ही काम करवा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी तो हमने शाम को छोड़नी है यहाँ पर। तो बने रहो वीडियो में, मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस पहुंच गए हैं ऑफिस और ऑफिस में बैठ के भाई इंतजार कर रहे हैं मैकेनिक का। एक मैकेनिक बुलाया, फॉर्चूनर का सिलेंसर यहीं खोलेंगे, जो उसको छोटे छोटे जो छेद है नीचे उसकी वजह से क्या है कि आवाज ऐसी ना फटी फटी आ रही है, तो वो बैकफायर जो मारती है गाड़ी वो नहीं बज रहा। तो बंदा बुलाया, यहीं खोलेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे दूसरी गाड़ी में सिलेंसर लेके वेल्ड करा के वापस यहीं पर इंस्टॉल करा देंगे। तो देखते हैं भाई आगे क्या सीन्स रहते हैं आज के दिन के क्या सीन्स रहते हैं, तो बने रहो वीडियो में। गाइज ये रात को देख लो भाई, वे मॉल कितना प्यारा लगता है भाई। ये आई थिंक दिवाली पे सजाया था ये जो था ना, तो ये दिवाली पे अच्छा लग रहा है और भाई ब्यूटीफुल लग रहा है, देख लो आप। सो गाइज ये जा रहे हैं भाई अपने गब्बर को वर्कशॉप गराज छोड़ने, जैसे कि आपको पता ही है सन्नी भाई ने बोला था, सोनू भैया ने बोला था कि भाई शाम को गराज में छोड़ना गाड़ी, क्योंकि दोपहर सुबह जब मॉर्निंग में हम वहां पहुंचे तो भाई वहां बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो भाई जा रहा हूँ ऑफिस से, निकल पड़ा हूँ और जा रहे हैं सीधा सन्नी भाई के पास, जाके आपको दिखाते हैं वहां पर सीन्स और गाड़ी हैंडओवर करते हैं। तो भाई दो दिन के बाद गब्बर मिलेगा, दो दिन में पूरी सेटिंग हो जाएगी। सो गाइज यार गब्बर को छोड़ दिया यहाँ पर, आप चेक कर सकते हो, ये है भाई भाई का गराज और गाड़ी छोड़ दी यहाँ पर। तो भाई काफी दिन के बाद घर आया था, सिर्फ एक ही रात घर पे रखा और यहाँ पर लगा दिया, चाबी हैंडओवर कर दी है सन्नी भाई को। तो बस अब आपको दिखेगा ये दो या तीन दिन, बीच में अपडेट्स आपको देते रहेंगे और दो या तीन दिन में ये पूरा तैयार हो जाएगा भाई। उसके बाद का आपको दिखाएंगे, जो बम्पर की फिनिशिंग आएगी, जो शैकल लो नीचे इंस्टॉल करेंगे, साथ साथ में आपको वो पूरा दिखाते भी रहेंगे। तो बस यहाँ से निकलते हैं, अंधेरा हो गया बहुत, तो मिलते हैं आपको गाड़ी में। सो गाइस यार गाड़ी फिर गब्बर को छोड़ दिया है भाई सन्नी भाई के पास, आपको पता ही है उसका जो भी काम है, जो फिनिशिंग बैलेंस है भाई, जो भी उसकी बम्पर की फिनिशिंग है और शैकल जो इंस्टॉल करने हैं और एक दो छोटा मोटा काम और जो डिज़ाइन था फॉग लाइट, जो भी काम है, तीन चार काम है पेंडिंग उसके, और फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आई हुई, बड़ा ऐसे देखने में रफ सा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है। जिसने भी बोला भाई ये क्या बनाया, तो मैंने उनको यही बोला भाई अब इसको पेंट होना है, इस पर सफाई जो जिसे हम बोलते हैं पुट्टी, जैसे बराबर करने के लिए पुट्टी की जाती है, उसके बाद ग्राइंड होगा, फिर उसके बाद इस पर पेंट होगा। तो अभी बड़ा काम है, दो तीन दिन का काम तो अप्रॉक्सीमेटली है ही है, क्योंकि मुझे पता है ये बड़े फास्ट हैं, इन्होंने कर देना है। तो जिन अंकल ने भाई वो शैकल के लिए बोला कि ये शैकल में इसके मैं पीछे वाला माउंट बना दूंगा, तो भाई वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो चेसी का काम करते हैं, चेसी कटिंग और वेल्ड करते हैं। कहते ये मैं बोध बना चुका हूँ, आप कोई बात नहीं बेफिक्र हो जाओ, मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँगा। मैंने कहा आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, बस कोई बात नहीं, शैकल सामने टांगा वो अच्छा लगना चाहिए। तो भाई वहाँ गाड़ी छोड़ दी है, तो गब्बर को अब आपको कल दिखाएंगे, जो भी आगे के सीन्स होंगे, जो जो काम चलता रहेगा साथ साथ में आपको बताते रहेंगे, वीडियोस में दिखाते रहेंगे। तो भाई ये था कुछ आज का व्लॉग, व्लॉग कैसे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है भाई। मेरी सारी फैमिली, जो भी जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है भाई, दबा के सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक कर दो। तो ये था कुछ आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ KS व्लॉग 0786, बाय बाय।